Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our English literature lecture for class 3. Now students, please open your books and open your page number 39. Our topic name is The Moon. We have already discussed about the poem. Now turn your page and open the page number 40. Exercises A, part 4. Exercise A ka hum question number 4 kar rahe hain, yani ke fourth wala question kar rahe hain. Answer the questions about these lines from the poem. Sawalat ke jawabat dein is kaha, jo poem humne padhi hai usme se unhone hame niche lines di hain, iske bare mein humne isko padhna hai aur sawalat ke jawabat dene hain. But all the things that belong to the day, lekin wo sari cheezein jo din se taluk rakhti hain, cuddle to sleep to be out of her way, wo bhi neend se lipat jati hain apne tareeke kar se hat kar. Today we are going to do question A, question B and question C. So you tick these questions and close your books. Now you open your English literature copies. First you draw the margin lines, mention the date, classwork and day on the top of the page. Then you write topic and the name of topic is The Moon. Answer these questions about these lines from the poem. जैसे कि मैं आपको अभी book में से पढ़कर बता चुकी हूँ कि सवालात के जवाबात दें उस ये line जो हमने आपको poem से दी है इसको पढ़कर इसके बारे में. ये line भी मैं already आपको book में पढ़कर सुना चुकी हूँ. यहाँ मैंने इस लाइन को डॉटेड फॉर्म में लिखा है क्योंकि लाइन लंबी है और मैं जो है सिर्फ एक रेफरेंस देना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में लिखा है. क्वेश्चन ए इज़ हु और व्हाट इज़ बीइंग स्पोकन अबाउट, कौन और किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि इस पोइम में किसके बारे में और क्या बात की जा रही है. एंड द आंसर इज़ पीपल, लोगों के बारे में, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवर और पौधे, दैट इज़ अवेक इन द डे टाइम, जो कि दिन के वक्त जागते हैं, अवेक जागना. दे वॉन्ट टू स्टे आउट ऑफ द मून, वो चाहते हैं कि हम सूरज में चांद में बाहर रहें, यानी कि जब चांद निकला हो तो हम उसकी रोशनी में बाहर रहना या बाहर आना चाहते हैं या बाहर रुकना चाहते हैं. स्टे आउट, बाहर रुकना. क्वेश्चन बी इज़ व्हाट आर सम ऑफ़ द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, वो कौन सी चीज़ें हैं जो दिन से ताल्लुक़ रखती हैं. बिलोंग, ताल्लुक़ रखना या लिंक होना, और डे, दिन. आंसर इज़ चिल्ड्रन एंड फ्लावर्स, चिल्ड्रन बच्चे, फ्लावर्स फूल. बच्चे और फूल जो हैं ये दिन से ताल्लुक़ रखते हैं अकॉर्डिंग टू पोइम. हमारी पोइम में इनका जिक्र किया गया है कि ये दिन से ताल्लुक़ रखते हैं. क्वेश्चन सी इज़ व्हाट डज़ कडल मीन, कडल का मतलब क्या होता है. हग और होल्ड समबडी ऑफ समथिंग क्लोज फॉर कंफर्ट, किसी को हग करना यानी कि गले से लगा लेना, और होल्ड समबडी या किसी को पकड़ लेना, और समथिंग या किसी चीज़ को, क्लोज फॉर कम्फर्ट और अपने करीब ले आना उसको आराम देने के लिए या तसल्ली देने के लिए, कंफर्ट करना, तसल्ली देना या आराम पहुंचाना. नाउ वी हैव डन आर क्लास वर्क, नाउ मूव टू आर होमवर्क. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट होमवर्क कि आज आप लोगों ने होमवर्क क्या करना है. आप लोगों का इंग्लिश लिटरेचर का होमवर्क है, फर्स्ट यू लर्न द क्लास वर्क. आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर्स अभी करवाए हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करने हैं. देन मेक सेंटेंसेस ऑन कॉपी, आप लोगों ने सेंटेंसेस मेक करने हैं अपनी कॉपी पर द मून के, जो चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जिसके भी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं द मून, उसके आपने सेंटेंसेस मेक करने हैं. फर्स्ट सेंटेंस है कडल, कडल मीन्स लिपट जाना. सेकेंड वर्ड इज़ राइज, राइज मीन्स तलू होना, निकलना. शाइन, चमकना. एंड फोर्थ वन इज़ फील्ड, फील्ड मीन्स खेत. ये फोर आपके वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं अपनी नीट कॉपीज़ पर. बढ़ते जाओ आगे,
बढ़ना है, रुकना नहीं. थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.